पटल पर फैली बिहार की ज्ञान मोक्ष और शांति की धरती गया जिले की विश्व प्रसिद्ध बोध गया में विराजमान भगवान बुद्ध की महाबोधि मंदिर परिसर में बीटीएमसी के मुख्य द्वार की ठीक बाईं ओर बने विश्वख्यात सैंड आर्टिस्ट मधुनेंद्र ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने अनोखे अंदाज में वोट करने का अपील करते हुए उंगलियों के निशान के साथ एक खूबसूरत रेत कलाकृतियां बनाई है। इसमें मेरा वोट मेरा देश स्लोगन के साथ देश का महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की आकर्षक तस्वीर बनाई गई है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। लोग अपने सेलफोन में एक झलक सेल्फी भी ले रहे हैं। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले की स्वीप आइकॉन से रेत कला के सुपरस्टार सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र की कलाकृतियां गया जिले में 11 अप्रैल को होने वाले मतदाता दिवस के पर मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दे रही है। इस मौके पर मधुरेंद्र की कलाकृतियों के बगल में खड़े डीएम अभिषेक सिंह, डीपीआरओ नागेंद्र गुप्ता, बीटीएमसी के संचालक तथा कई बौद्धिस्ट भी अपनी उंगलियों का निशान दिखाकर मतदाताओं से वोट जरूर देने के साथ साथ मतदाता प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। मतदाता जागरूकता के लिए बनाई गई इनकी कलाकृतियों के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से घूमने देश प्रदेश के बौद्ध सैलानी बड़ी अधिकारी नागरिक सहित हजारों राहगीरों तथा आम लोग को भी अपने वोट अवश्य देने के लिए प्रेरित कर रही है। हम अपनी रेत कलाकृति के जरिए भगवान बुद्ध की महानगरी बोध गया में गया जिले में 11 अप्रैल 2019 से शुरू को होने वाले मतदान के लिए हम अपनी सैंड आर्ट के जरिए अपनी कलाकृति को प्रस्तुत किया हूँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मतदाता प्रतिशत को बढ़ाए और अपनी ताकत को आजमाए। इसी संदर्भ में जिला प्रशासन के सौजन्य से हम सैंड आर्ट के जरिए बोध गया के इस धरती से लोगों से वोट करने की अपील किया हूँ।